नमस्कार, आप देख रहे हैं dilelantop.com और ललन टॉप चुनाव यात्रा की टीम हीरा फिलहाल बाड़मेर में है और बाड़मेर में हम लोग हैं विश्वोत्मा लाइब्रेरी में। यहाँ आने का मकसद हमारा ये है कि जो हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं फेसबुक सोशल मीडिया पार्टनर, उनके लिए जो हम वर्कशॉप जगह जगह जाके करते हैं वो यहाँ करना। हम शुक्रगुजार हैं मुकेश जी के, जिन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये वर्कशॉप यहाँ अलाउ की, अपने बच्चों को दावत दी और वो सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। और अगले 20 से 25 मिनट तक हमारी कोशिश रहेगी कि हम बेस्ट प्रैक्टिसेस सोशल मीडिया की कुछ डिस्कस कर लें। एक आध जगह है जहाँ ही रह सकता है, ये है, यहाँ रह जाएगा। अच्छा, ऐसा कोई यहाँ पे है जो इतनी पढ़ाई करता हो जो फेसबुक व्हाट्सएप दोनों पे नहीं है? कोई भी? हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा कम चलाते होंगे। ऐसा कोई है जो बिल्कुल नहीं है, चलाते ही नहीं? आप चला, आप नहीं चला, आप व्हाट्सएप नहीं चलाते? अच्छा, तो मतलब मैं मान के चलता हूँ कि 70% दोनों पे हैं और फिर 15% ऐसे होंगे जो शायद व्हाट्सएप चलाते हों, जो शायद फेसबुक चलाते हों, ठीक। लेकिन ज़्यादातर लोगों को एक आइडिया है सोशल मीडिया पे, वो कभी ना कभी रहे हैं। वो इस्तेमाल करते हुए क्या आपके दिमाग में कभी ये चीज़ आई कि सच झूठ और अफवाह में फ़र्क कैसे किया जाए? जिनका आइडिया था कि एक ऐसी जगह हो सकती है जहाँ बाड़मेर में लोग इकट्ठे होकर पढ़ें, ठीक है। मुके, मैं सबसे पहले उन्हीं से जानना चाहता हूँ कि सर आपको क्या लगता है कि सच झूठ और अफवाह में हम कैसे फ़र्क कर सकते हैं, बेसिक कोई फ़र्क? कोई ऐसी न्यूज़ जिसको हम देखते हैं तो हमारे को आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसमें हम सोचने विवश हो जाते हैं कि वास्तव में ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। हम कोशिश कर सकते हैं लेकिन जब उसका प्रचार प्रसार इतना फास्टली होता है कि उस पर हम बिलीव करना पड़ता है हमारे को मजबूरन, हम उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में सोच के या उसको पूरा एनालाइज करके और फिर देखते हैं तो हमको पता चल जाता है, या जो सोर्सेज है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो मिल जाएगा कुछ। लेकिन ऐसा हम करते नहीं है क्योंकि हम फॉरवर्ड करते रहते हैं आगे से आगे, कॉपी पेस्ट, तो वो धीरे धीरे न्यूज़ बन जाती है, मतलब धीरे धीरे मानने लगते हैं लोग कि भाई हुआ होगा। आश्चर्य, ये आश्चर्य बड़े काम का टर्म है। ये पूरे डिस्कशन जब तक हमारे 20-25 मिनट पूरे होते हैं तब तक क्या आप इसको दोबारा सुनते रहेंगे, लेकिन उससे पहले अच्छा कोई और बताना चाहता है कि सच और झूठ में कैसे फ़र्क कर सकते हैं हम? आता हूँ सर, क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम शरण कुमार है सर। अच्छा, जब व्हाट्सएप या आपकी तो मिसाल दी जाती है। हाँ सर, जब सोशल साइट पर कोई मैसेज आता है तो अधिकतर वर्तमान में अखबार की कटिंग या कॉपी पेस्ट आता है, तो उससे पता चल जाता है अखबार कटिंग में टेक्स्ट में डिफरेंस होता है कितना पुराना है। उसके बाद हम और भी रिसर्च करते हैं, जैसे गूगल पे देखते हैं, यूट्यूब पे ढूंढते हैं, और भी जो जिस स्थान वगैरह का है उसी लोकेशन के अखबार वगैरह ढूंढते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि लगभग ये सच है या झूठ है। 90% 100% तो श्योर नहीं कह सकते हैं कि ये सच है या झूठ है, लेकिन उसमें शक पैदा हो जाता है कि ये सच है या झूठ है। शक और आश्चर्य दो चीज़ बड़े काम की, लेकिन ये सीधे हम इंटरव्यू लेवल पर चले गए, पहले रिटर्न निकालना है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप। मेरा सवाल था कि सच झूठ और अफवाह में फ़र्क कैसे करते हैं। सच सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ हो सकती है जिसका प्रमाण हो, जैसे अगर बाड़मेर में तेल निकलता है जैसे बताया, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि कोई तेल का कुआं है, कोई कंपनी वहाँ काम कर रही है, वहाँ से तेल निकल रहा है। हम लोग पचपदरा से होते हुए आए, हमको वहाँ बताया गया कि आप 15 फीट ज़मीन खोदेंगे इतना खारा पानी निकलेगा, सुखाएंगे नमक बन जाएगा। हम गए वहाँ, हमने देखा ऐसा हो रहा था, बाकायदा वो 40 फीट लंबी खदान थी और उसमें 14-15 फीट ही गहरी भी थी, वो उतर के देखा उसमें नमक था। ऐसी कोई चीज़ जिसका प्रमाण है वही सच हो सकती, प्रमाण नहीं है तो वो झूठ ही होगा। मतलब वाइट और ब्लैक ये दो बना लिए हमने। अफवाह क्या होता है? आऊं उधर आ जाता हूँ सर, क्या नाम है सर अपना? दीपक दवे। ऐसा है जिस बात का कोई औचित्य नहीं हो उसको फैलाना ये अफवाह ही है। जिसको आपकी पूरी जानकारी नहीं है उस बात को आप फैला रहे हो, तो या तो आप उसको सोच समझ के फैलाओ तो ही सही रहेगा, नहीं तो ये अफवाह ही है। औचित्य नहीं हो, आपको कोई किसी बात का प्रमाण नहीं हो आपके पास, तो वो अफवाह ही है। अफवाह, ये बात सही, अफवाह का प्रमाण तो नहीं होता है और उसका औचित्य भी नहीं होता, सही है। अफवाह सच नहीं होता है इतना तो हम सब लोग अग्री करते ही हैं, ठीक है, लेकिन क्या वो सिर्फ एक झूठ होता है? अफवाह एक ऐसा झूठ होता है जिसका एक हेतु होता है, जिसका एक पर्पस होता है, किसी वजह से वो झूठ चलाया जाता है, मार्केट में डाला जाता है। छोटा उदाहरण, आप लोग, आप कुछ लोग दोस्त भी होंगे मेरे ख्याल यहाँ इस पे,
ऐसा कोई तीन चार दोस्तों का ग्रुप बैठा है यहाँ पे, एक दो। अच्छा आपके दोस्त कहाँ बैठे हुए हैं? पीछे पीछे। तो आप उनके साथ नहीं बैठे आप, मतलब कैमरे में वो भी आता वैसे, ठीक। कई बार जब हम दोस्तों में बात करते हैं तो सही भी बताते हैं और कई बार ऐसी भी कोई चीज़ बताते हैं जो नहीं होती है। इसके साथ दिखा था, यहाँ जा रहा था, अब वो सिर्फ झूठ नहीं है, ठीक है। आपके दिमाग में एक ग्रंथि है जो ये कहती है कि ऐसा बोलने से ऐसा होगा, इसलिए आप कहते हैं। छोटे लेवल पे होता है, बहुत इजी है, और छोटे लेवल पे होगा, बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान भी नहीं होगा, मेरा होगा या आपका होगा, जो जिन दो लोगों की बात हो रही है दोनों का साथ में हो जाएगा। लेकिन जब बड़े लेवल पे होता है तो प्रॉब्लम बनती है। कैसे? कितने लोगों ने ये तस्वीर नहीं देखी थी, मैं दिखाता हूँ, ये वाली ज़्यादातर लोगों ने देखी थी। कोई एक है, कोई भी है, अच्छा आपने दोस्त, आपका नाम क्या है? रामनारायण। अच्छा रामनारायण जी, आपने इस तस्वीर के साथ में क्या सुना था? मैंने ये सुना था कि एक ऐसा ऐप आया था जो डाउनलोड करने के बाद में इसमें यहाँ स्कैन करने पे जो गाना बजता था या ऐसा कुछ था, ठीक है, और उसमें ये अफवाह फैलाई गई थी कि इसमें एक चिप वलगी होती है और उसकी वजह से हो रहा है। यहाँ से गुजरात कितना दूर है? पास ही है। हमको ये चिप वाली बात हर जगह सुनने मिलती है, 2000 के नोट के साथ ऐप वाली बात हमने सिर्फ गुजरात में सुनी है और दूसरी बार अभी हम यहाँ सुन रहे हैं बाड़मेर में। एनीवेज, ये एक ऐसी अफवाह थी जो नेशनल लेवल पे थी, ज़्यादातर लोगों तक ये बात पहुँची थी और हम में से ज़्यादातर लोगों ने इसे मान भी लिया था। लग रहा था ना, जो एक दिन पेपर में आया और एक दिन टीवी पे भी दिखा, तो ऐसा एक बार लगने लगा था कि शायद भाई जब इतनी बड़ी कवायद चल रही है तो चिप आती होगी नोट में, क्या पता सरकार है कुछ कर भी सकती है, उसके पास क्या नहीं ताकत है। अफवाह, उस चिप वाली बात से किसी को फ़ायदा होता था, किसी को नुकसान होता था, इसीलिए हम उसे कहते हैं अफवाह। और एक होती है राय, जो इन तीन के अलावा होती है। अब राय का सच होना ज़रूरी नहीं होता है और झूठ भी, राय दरअसल सच और झूठ के आपको थोड़ा सा अलग मिलेगी। जैसे बाड़मेर में कितना टेम्परेचर जाता है? 48 तक चला जाता है, 49 भी जाता है, रिकॉर्ड क्या रहा है यहाँ पे? 48-49, ठीक है। अब अगर डिग्री सेल्सियस एक बार को छोड़ दो, सिर्फ इतना पूछा जाए कि बाड़मेर में कितनी गर्मी है, आप लोग कितना बताओगे अगर मैं 45 कहूँ तो? कहोगे ठीक ठाक गर्मी है, जितनी पड़ती है उतनी है। लेकिन जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं धोरे देखने, वो गज खा के गिरते हैं, उनके हिसाब से ये मतलब बिल्कुल नर्क में जितनी गर्मी होती होगी, उनके लिए वो 100 है। अब 45 ही है, लेकिन दोनों की राय में फ़र्क है। अब वहाँ पे ये झगड़ा नहीं कि आप सही है या मैं, लेकिन कौन कितना फील कर पा रहा है उस चीज़ को, उसके हिसाब से कितनी है। हो सकता है कि जो टूरिस्ट है वो MP से आता हो, ठीक है, MP में भी 30 डिग्री के आसपास तक के टेम्परेचर होता है, उसको अपने यहाँ गर्मी ठीक लगेगी, यहाँ ज़्यादा लगेगी। अगर कोई कश्मीर से MP जाएगा, उसको लगेगा यहाँ ज़्यादा है। तो ये राय बनती जा रही है लोगों की किसी जगह के बारे में, ठीक है, वो उसका फैक्चुअली करेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता है, ना वो पूरी तरह से उस पर ये आक्षेप लगाया जा सकता है कि वो झूठ है। ये कन्फ्यूजन थोड़ा आपका दूर होगा जो मैं कह रहा हूँ जब हम आगे बढ़ेंगे। ज़्यादातर लोगों ने हाथ उठाया था कि वो लोग फेसबुक पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं। कभी किसी ने ये नोटिस किया कि जैसा आदमी फेसबुक पे दिखता है वैसा व्हाट्सएप, वैसा असल ज़िंदगी में नहीं दिखता कभी? हुआ क्या सर? आपका नाम क्या है? हिंगलाज। अच्छा हिंगलाज जी, आप क्या कह रहे थे? रियल लाइफ में कुछ और होता है और फेसबुक भी कुछ होता है, क्योंकि वो फोटोशॉप है, उसका रियल जो फोटो होता है, रियल जो रियल लाइफ में होता है वो उसका कुछ और ही होता है। सही है, फोटोशॉप होती है, लेकिन फोटोशॉप क्यों की जाती है कोई इमेज, मतलब उसके पीछे मंतव्य, दिमाग क्या चलता है उसकी, कुछ टारगेट होता है। जैसे फोटोशॉप पे जैसे किसी, जैसे दो आदमी को ऐड करके रखा होगा किसी बड़े लोग का, तो उसका ये प्रोपेगंडा होगा कि ये दोनों साथ में रहेंगे, उसके जो लोग हैं वो मेरे साथ में आएंगे। और जैसे यंग लोग से वो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, जैसे हम फेमस होना चाहते हैं, तो इससे फेमस पॉइंट ऑफ द फेमस, उसका प्रोपेगंडा फेमस भी हो सकता है, अपने कुछ विचार दिखाने होता है, या अपनी जो रियल पहले बैकग्राउंड लाइफ में था उसका निकलने का कुछ और भी हो सकता है।
लेकिन हम ऐसी चीज़ करते क्यों हैं सोशल मीडिया पे जो हम रियल लाइफ में नहीं करते? मतलब ऐसा कारण क्या लगता है आपको, क्यों हम ऐसा कर जाते हैं? फिर मैं एक उदाहरण पे आऊँगा जो मैं हर जगह देता हूँ। अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए लोग मतलब ऐसा मतलब कुछ करते हैं कि मतलब हम लोग हमारे तो अट्रैक्टिव हो और हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मिले। सही है, लेकिन ये मतलब हम उस पर चले गए ना कि क्या हो रहा है। मैं कारण पे था कि ऐसा हम कर क्यों लेते हैं। उदाहरण के लिए अब हर जगह अगर हमारी वर्कशॉप लाइन से देखो तो आपको ये एग्जांपल हर वर्कशॉप में मिलेगा। मेरी माँ, ठीक है, वो एलर्जिक है गुलाब से, उनको गुलाब कोई दे दे तो उनको तकलीफ़ होती है, गुलकंद वाली वो चीज़ें नहीं खाती हैं, ठीक है, और गुलाब वाली अगरबत्ती भी हमारे घर में नहीं आती क्योंकि उनका सर दुखता है। लेकिन अगर मेरा आप इनबॉक्स देखेंगे व्हाट्सएप का तो उसमें कई मैसेजेस में आपको गुड मॉर्निंग मिलेगा गुलाब के साथ। अब मेरी माँ का तो कोई प्रोपेगेंडा हो नहीं सकता है ना, ना उनकी इंटेंशन कुछ और हो सकती है क्योंकि एक ही बेटा है, मैं यही हूँ। तो ऐसा क्यों होता होगा उनके साथ कि जो गुलाब वो पकड़ नहीं सकती कभी अपने हाथ में, वो अपने इकलौते बेटे को कैसे भेजती होगी? कभी आप इस तरह से कभी आपने सोच के देखा कि ये क्यों हो जाता है कि जो असल ज़िंदगी में पॉसिबल ही नहीं है वो सोशल मीडिया पे कैसे होता है? या अच्छा, यहाँ मारपीट किसने पिटवाया है यहाँ पे? थोड़ी देर पहले जो बता रहे थे कोई आपने पिटवाया है किसी को? क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम दिलीप है। अच्छा, क्यों दिलीप जी आपको क्यों किसी को पिटवाना क्यों पड़ा आपको? बहुत सारी मजबूरियां रहती है, परीक्षा के एग्ज़ाम का हो या फिर कैसे सेटिंग करवानी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें रहती है जिसकी वजह से पिटाने पे हमें लाभ मिलता है। अच्छा, ऐसा एकाध कोई मजबूरी आप बताएं? ऐसा है कि सामने वाला अगर होशियार लड़का है और हम लोग एग्ज़ाम में उसके पीछे बैठ रहे हैं, वो पिटेगा, हम बीच में आएंगे उसे बचाएंगे तो वो हमें नकल करवाएगा, तो इससे भी हमारा फ़ायदा होगा। बाप रे, इतनी प्लानिंग मैंने आज तक के कहीं किसी को करते हुए नहीं देखा है। आपने ऐसा किया भी है आपने लाइफ में? जी जी, लेकिन आपने खुद नहीं पीटा ना, पिटवाया क्यों? ये वैसा ही है, हम उसी पॉइंट पे भी आ रहे हैं कि आपने ऐसा आपने उसको ऑनलाइन पिटवाया एक तरह से ही, आपका पता नहीं चला कि किसने मारा आके या किसने पिटवाया असल में, लेकिन मार तो पड़ी उसके। प्रतिक्रिया, नतीजा, परिणाम, ऑफलाइन दुनिया में तुरंत नतीजा मिलता है। अगर मेरी माँ मुझे गुलाब देंगे तो उनको पता चलेगा कि उनके हाथ में क्या है, ठीक है। आप पीटने जाएंगे अगर किसी को तो सामने वाले को मालूम चलेगा कि आप कौन हैं, फिर हो सकता है कि वो भी अपनी परीक्षा आपके हिसाब से प्लान करें, रोल नंबर के हिसाब से, और 2500 चीज़ें हो सकती हैं जो नॉर्मल लाइफ में जिसको कहते हैं आँख की शर्म होती है। मैं अगर आप लोगों को देख रहा हूँ, आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो एक बिहेवियर हम लोग मेंटेन रखते हैं आपस में। मैं कुछ चीज़ें कहूँगा, कुछ चीज़ें नहीं कहूँगा, आप लोग कुछ चीज़ें कहेंगे, कुछ चीज़ें नहीं कहेंगे। सोशल मीडिया पर वो करने की ज़रूरत नहीं होती हमको, उतना संयम बरतने की ज़रूरत नहीं। जो नहीं बोलते हम सामने सामने खड़े होकर, वहाँ मैसेज में लिखना बहुत आसान है, टैग करना बहुत आसान है, कमेंट करना बहुत आसान है, पोक करना बहुत आसान है, क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया होगी नहीं वहाँ पे। और वो एक जो झूठी सुरक्षा है वो आपसे ये करवाती रहती है कि जो आपके जी में आए वो आप करते रहो। लेकिन मेरा काम है आप लोगों को ये बताना कि जितनी चीज़ें असल दुनिया में ऑफेंस हैं, असल दुनिया में गलत मानी जाती हैं, उतनी सारी चीज़ें ऑनलाइन दुनिया में भी ऑफेंस हैं, ऑनलाइन दुनिया में भी उसके लिए सजा है। आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज हो सकते हैं। अगर आप लोगों को, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस तरह की लाइब्रेरीज में आते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, वापस जाते हैं, फिर रोज़ पढ़ते हैं, तो आप लोगों के लिए टाइम बहुत कीमती होगा। मेरे ख्याल 3-3 महीने में आप लोग प्लान्स करते होंगे कि इस एग्ज़ाम के बाद ये देना है, इस एग्ज़ाम के बाद ये देना है। सोशल मीडिया पे अगर आप ऐसी कोई चीज़ करते हैं जो ऑफेंस मानी जाती है, हैरेसमेंट है, किसी का अहित करती है, अफवाहबाजी आप करते हैं, आपको 2 साल तक की सज़ा होती है अगर आईटी एक्ट का जो केस है वो कोर्ट में जाता है। और 2 साल मेरे ख्याल आप में से कोई भी नहीं बिगाड़ना चाहता होगा अपने। अगली बात पर चलते हैं, तो इतनी ये 2 साल की सज़ा को टालें कैसे? हमारे पास जो हैंडआउट है वो ये कहता है कि आप दयालु बनिए,
संवेदनशील हुई है, समझदार हुई है, सहानुभूति लाई है, दयावान बनी है और विचारशीलता भी ले आई है। कितने लोग ले आएंगे मेरे कहने से? आप ले आएंगे, आप थोड़े से इनसे आगे हैं ना, क्योंकि ये आइडिया आपका था लाइब्रेरी खोलने का और आपने खुद भी खूब पढ़ाई की है। क्या बाकी लोग ले आएंगे? अब इतने भी दूर नहीं आए हम गुजरात से, वहाँ गांधी जी पैदा हुए थे। बोलो नहीं, मेरे बोलने से कौन ले आएगा भाई? इससे पहले आपने किसी की सुनी है इतनी, तो मेरे कैसे सुनोगे? कोशिश तो करोगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, है ना? जैसे अच्छी क्वालिटीज़ हमारे टीचर बताते हैं, पेरेंट्स भी बताते ही हैं, हम कितने ले पाते हैं? ऐसा दिल गवाही नहीं देता ना, अच्छी और बुरी दोनों क्वालिटी होती है। बिल्कुल सर, कहने का मतलब ये कि एक बार में ये सारी काम की क्वालिटीज़ हैं, लेकिन एक बार में शायद ना मैं आपको दे सकता हूँ क्वालिटीज़ ये सारी, ना शायद आप उन्हें उनका ग्रहण कर सकते हैं, उनको आत्मसात कर सकते हैं। ठीक है, सुन लेंगे कि दयावान होना चाहिए, लेकिन होना कैसे है? वो एक वर्कशॉप से ज़्यादा बड़ी चीज़ है। तो क्या कोई शॉर्ट ट्रिक? कितने लोग यहाँ पे मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप्स मैथ्स ज़्यादा काम सब लोग कर रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक्स बहुत सारी होते होंगी आप लोगों में, क्या इस एक जटिल गणित की कोई शॉर्ट ट्रिक हो सकती है? कोई भी क्या कहना सर, सर अपना नाम? एक साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर किसी एक की बात करें तो फिर मतलब कि एक कैरेक्टर होता है हर एक की लाइफ में, क्योंकि अगर वो अगर समझाने की करेगा, क्योंकि मैं तो इसकी बात मानता ही मानता हूँ, वो अगर आपको समझाने की करेगा तो फिर वो कोशिश ज़रूर करेगा इस बात की। मतलब 100% तो मैं नहीं कह सकता, बट 95-98% की उसकी कोशिश रहेगी। आपने कहा आज सब बोल भी देंगे कि आज हम कर रहे हैं ये सब, लेकिन आज आप चले जाओगे, आज के लिए तो रहेगा सबके, आज या कल हो सकता है कल तक रहे, परसों तक रहे, तीन दिन तक रहेगा सबके मन में, क्योंकि इतनी बात बढ़िया बात बताई है, क्योंकि बहुत अच्छी बात बताई है कि हम रखेंगे। लेकिन तीन दिन के बाद में सब अपने काम में लग जाएंगे, फिर वही के वही भूल जाएंगे। रोल मॉडल्स की बात कर रहे थे वो, कि ऐसा कोई अगर जिसकी बात आप मानते हैं वो आपसे कहे तो शायद माने। शॉर्ट ट्रिक पर मैं था, मैंने वो शब्द इस्तेमाल भी किया था, आग की शर्म जो आम जिंदगी में आप रखते हैं वो आप सोशल मीडिया पर रखना शुरू कीजिए। वही चीज़ कहिए, वही चीज़ पोस्ट कीजिए, वही चीज़ शेयर कीजिए जो आपको लगता है कि अगर मैं इस आदमी के सामने खड़ा होता, इस लड़की के सामने खड़ा होता तो कहता। वही चीज़ आप सोशल मीडिया पे भी कहिए, बहुत सारी दिक्कतों से आप ऐसे ही बच जाएंगे। सबसे बढ़िया सेंसर सरकार का नहीं होता, और सबसे ज़्यादा नियम बनाने वाली या उसका पालन कराने वाली भी सरकार नहीं हो सकती, सबसे बढ़िया सेंसर यहीं पर होता है सारी चीज़ों का, क्योंकि हमें आदत होती है खुद को बड़ा देसी बड़ा ठेठ बताने की, लेकिन हमने हम बहुत आदमी बहुत स्मार्ट होता है, वो हमेशा बहुत सोच समझ के चीज़ें करता है और नहीं करता है। तो उस नहीं करने में सिर्फ एक चीज़ ये और जोड़ देनी है आपको कि मुझे सोशल मीडिया भी उसी तरह इस्तेमाल करना है जैसे मैं आमने सामने बात करता हूँ, जैसे आमने सामने मैं लोगों से मिलता हूँ। जो चीज़ें मैं नहीं कहता वो चीज़ मैं सोशल मीडिया पर ना कहूँ। जैसा मैं नहीं हूँ वैसे मैं सोशल मीडिया पर एक थोड़ी बहुत फ़ोटो कलर करेक्ट करने के डाल के उसमें मैं प्रॉब्लम नहीं निकाल रहा हूँ। जाइए दौरे पे फ़ोटो खिंचवाइए लगाइए उससे, लेकिन ऐसी कोई चीज़ जिससे किसी और का पाला पड़ता हो, वहाँ आपको अपने बिहेवियर पे कंट्रोल रखना है। आगे चलते हैं, सबसे फेवरेट हिस्सा और सबसे ज़्यादा टाइम भी लेने वाला दोस्त, ये क्या है? मैं इस तरफ आया नहीं हूँ ना, इधर चलते हैं। दोस्त अपना नाम क्या है? दिनेश शर्मा। दिनेश जी आपके लिए क्या है ये? पक्षी की तस्वीर। दोस्त आपके लिए? पक्षी। पक्षी उधर सफेद वाले पक्षी, इतने दूर से आवाज आएगी। नाम क्या है सर अपना? कैलाश। कैलाश जी आपके लिए क्या है? पक्षी तेरे। ठीक है सर, आपका नाम क्या है? तनेराज। तनेराज। तने जी आपके लिए? पक्षी दिख रहे। पक्षी उधर। अच्छा उधर आता रहा हूँ, ये आप लोग जो उधर वाले हैं उनके लिए क्या दिख रहा है? ये रैबिट। कितने लोग हैं रैबिट वाले? एक मनुष्य। हाँ जी मनुष्य। अरे बिल्कुल सही है, मैं उसको बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूँगा, लेकिन मैं
जानना चाहता हूँ कि इसमें मनुष्य कहाँ दिखा आपको? सर आदि मानव कभी ऐसा रहा होगा? मैं आपको एक मौका और देता हूँ सर, कुछ नहीं कह सकता। अरे यार ठीक है, मतलब नजरे नजरे का फर्क होता है, लेकिन ये इंसान मुझे नहीं दिखा वैसे अभी तक, लेकिन हो सकता है कभी निकले। जितने लोगों को ये बतख लगा था, क्या उन्हें अब खरगोश लगता है? यहाँ से ज्यादातर लोगों ने पक्षी कहा था, पक्षी वालों को ये अब खरगोश लगने लगा? खरगोश ही है, खरगोश। आपने तने जी आपने कहा था अब लग रहा है खरगोश है? इस तरह से ये मुंह है, ये आंख है, ये कान है उसके, देखो ये मुंह है, ये गला उसका, आंख है, ये अब कान, अब लगने लगा। जिन्होंने पक्षी कहा था उनको भी लगने लगा, और जिन्होंने खरगोश कहा था उनको ये बतख लग रहा है क्या? अच्छा, क्या ये दोनों जो बेज हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, आप लोग झगड़ के कभी तय कर पाओगे कि ये क्या है? मतलब एक राय यहाँ पे ये भी है कि ये आदमी हो सकता है। पता है, मतलब वर्कशॉप में जब हम आप लोगों को बताने से पहले हमारी भी एक वर्कशॉप हुई थी, ठीक है, और उसमें हमको मतलब बड़ा इस बात पे जोर था कि हम लोग ज़्यादातर एक्सपीरियंस अपना भी शेयर करें और फिर लोगों से भी लेते रहें, और यही वजह, वरना हम लोग एक वीडियो रिकॉर्ड करके सर को दे देते या आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देते। जाके वर्कशॉप करने का मकसद ये था कि आपके जो लोकल अनुभव हैं बाड़मेर के, वो भी हमको पता चलें। जैसे ये ऐप वाली बात, जब तक हम गुजरात गए नहीं थे तब तक हमको पता नहीं थी, तो वैसे ही ये इंसान भी हो सकता है, ये हमको बाड़मेर आने के पहले पता नहीं था। बहुत क्रिएटिव लोग हैं यहाँ। पास आऊंगा, क्या ये खरगोश लगता है सर? नहीं सर। नहीं, ये क्या लगता है आपको? मानव लग रहे हैं। कपल। कैसा कपल दोस्त? पीछे आता हूँ, सबसे पहले कपल किस दोस्त, अपना नाम क्या है? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र जी, आपके लिए आपको क्या लगता है? टू फेसेस अपोजिट टू ईच अदर। कपल किसने कहा था सबसे पहले? आपने। कैसा कपल है ये दोस्त? कपल मतलब आपस में ज़्यादा लगाव वाला है। अच्छा। तभी इतने पास है, नहीं तो इतने पास नहीं होते। अच्छा। फिर भी कैसा कपल? मतलब कैसा तो आप इसमें ये मतलब या तो शादीशुदा भी हो सकते हैं। अच्छा। और है दोनों अब या शायद देखने से लग रहा है दोनों मेल। कोई बात नहीं, मैं उधर। सर आपका नाम क्या है? मैं उधर भी आ जाऊंगा। विक्रम सोनी है। विक्रम जी, देखने में ऐसा लग रहा है माँ और बेटी आमने सामने नजरों से नजरें मिला के कुछ अपने प्यार के पल गुजार रहे हैं। माँ बेटे, माँ और बेटी, ठीक। उधर मैं उधर जाता हूँ, किन से समझा नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं है, दो प्रतिबिंब है बस, और क्या है, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। अच्छा, माँ बेटी और फिर कपल, ठीक है। उधर और इसके अलावा उधर आता हूँ, आपका नाम क्या है? कैलाश। कैलाश जी, दो दोस्त हो सकते हैं या दो दुश्मन हो सकते हैं? तो दोस्त दुश्मन होंगे तो इतना करीब कैसे? मतलब सामने एक दूसरे को देखते हैं ना, घुराते हैं ना। वो ये भी सही है, ये मुझे, मैंने वर्कशॉप्स इससे पहले 3 राज्यों में की थी, पिछली बार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ठीक है, और इस बार मैं गुजरात से करके आया हूँ, दूसरा स्टॉप राजस्थान है। मुझे अभी तक के किसी ने ये घुराने वाला उदाहरण नहीं दिया था, अच्छा उदाहरण है वैसे, ठीक है। मतलब ये कंसेंसस है यहाँ पे, चाहे हंसी मजाक इधर उधर कर दो, कि ये दो लोग हैं, ठीक है, दोस्त हो सकते हैं, दुश्मन हो सकते हैं, माँ बेटी हो सकते हैं, लेकिन हैं दो लोग, ठीक। कितने लोगों को ये फूलदान लगा था? आपको लगा था, आपने लेकिन कहा नहीं था। नहीं नहीं नहीं, अब तो गाड़ी छूट गई।
कितने लोगों को फूल था? अब लग रहा है मेरे कहने के बाद, ये बीच वाला, ये कप वाला हिस्सा है, ये उसका बीच का स्टैंड है और बीच है वो बेस है उसका, अब लगने लगा है फूलदान। कितने लोगों को ये शतरंज की गोटी लग रहा है देखने में? लगा था, दिल की बात है कह देनी चाहिए दोस्त, तब वो तभी कपल वाला हो पाएगा, ठीक है, वरना ये गैस करते रह जाओगे कि क्या है। दरवाजे की देहरी भी हमको बताते हैं लोग, ठीक है, पिलर भी बताते हैं। क्या इतने सारे उदाहरणों में आप बहस करके पहुंच पाएंगे कि ये एग्जैक्टली क्या था? आप इसे कपल कहेंगे तभी भी ज्योमेट्री उसकी वही है, आप इसको अगर फूलदान कहते हैं तभी भी इस पिक्चर की ज्योमेट्री चेंज नहीं होती है। हमने एक इंटरेस्टिंग और चीज़, हम इससे पहले कहाँ थे, जहाँ लड़का लड़की वाला कहाँ कंफ्यूज हुआ था, एक लड़का एक लड़की है, उदयपुर, हम लोग मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में थे और वहाँ पे किसी ने छेड़ दिया कि ये कपल है, ठीक है। अब वहाँ इस बात पे बहस चल रही थी कि लड़का किस साइड है, और ये ज्योमेट्रिकली आप देखेंगे ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो वहाँ पब्लिक, अब जब एक बार दिमाग में आ गया कि एक लड़का है तो उसमें लोग कोई टुड्डी देख रहा है, उसकी कोई नाक देख रहा है, कोई होंठ देख रहा है कि ज़्यादा शार्प वाली लड़की होगी, इस तरह से लोगों का दिमाग काम करता है। सोशल मीडिया पे 80% या इससे भी ज़्यादा विवाद ये इसी तरह की बहस होती है, एक ही चीज़ है, उसके तथ्य नहीं बदल रहे हैं, उसके गुण नहीं बदल रहे हैं और उस पर चल रही है बहस कि तुम सही है मैं सही, और उस बहस का जैसे कि मैंने कहा कोई अंत नहीं होता है क्योंकि उस एक चीज़ के गुण कभी बदलते नहीं है। नज़रिए का फ़र्क है, वही नज़रिया जो हमें, कल हम सनी देओल के रोड शो में थे, हमें लग रहा था यार क्या गर्मी है, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ बाड़मेर वालों को एक बार दिल्ली आके देखो, आपको पता चलेगा वहाँ क्या गर्मी है। नज़रिया कि किस जगह को आप कितना गर्म मानते हैं, किस पिक्चर को आप मर्द मानते हैं, किस पिक्चर को आप औरत मानते हैं, अगर उसके तथ्य नहीं बदलते, उसके गुण नहीं बदलते और सिर्फ आपकी राय में फ़र्क है, तो आप इतनी ज़िम्मेदारी से काम लेने की कोशिश कीजिए कि ये आप तय करें कि क्या जो ये फ़र्क है, सामने वाला कुछ कह रहा है मैं कुछ कह रहा हूँ, ये डिसएग्रीमेंट क्या प्रतिक्रिया मांगता है, यदि मांगता है तो वो कितनी तीक्ष्ण हो सकती है, कितना वायलेंट रिएक्शन, और वायलेंस सिर्फ हाथ पैर से नहीं होती है, भाषा में बहुत वायलेंस होती है दोस्त, देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी एक बड़े नेता हुए थे, उन्होंने कहा था कि एक बड़े नेता को गोली मार देनी चाहिए, थोड़ा टाइम पहले की बात है, ज़्यादा नहीं, 2-1 साल पहले की है ना, वायलेंस उससे बचिए। अब इसमें 2-3 हैंडआउट्स और थे सुने और आदर करिए टाइप के, वो मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग फिर सो ही जाओगे, आगे चलते हैं। फेसबुक, अब हमारा फेक न्यूज़ वाला सेक्शन, कितने लोग यहाँ पे फ़ोन पे न्यूज़ पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते होंगे आप लोग ज़्यादातर क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई लोग, कितने लोग फ़ोन पे या टैबलेट पे या डेस्कटॉप पे खबरें पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हैं। कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि जो चीज़ आपको खबर लग रही है वो एग्जैक्टली खबर है या नहीं है, कि क्या आप एक सही जगह खबर पढ़ रहे हो? बाड़मेर आएंगे इस सवाल पे वापस। बाड़मेर में सर आप, अपना नाम क्या है? योगेश। योगेश जी, बाड़मेर में कभी कोई अफवाह फैली आपको याद आता है? या अफवाह तो बहुत फैलती रहती है आसपास, कोई एक मिसाल स्पेसिफिक तो मुझे पता नहीं है वैसे, कोई किसी को याद आता हो? एक जैसे गांधी चौक के बैक साइड में यहाँ मुसलमान का एरिया है आगे, और जो नगर पालिका की जमीन थी वहाँ पर लगभग 2-1 साल या लगभग 1.5 साल पहले एक अफवाह फैली कि वहाँ उन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया और आसपास के सारे हिंदुओं को वहाँ से ज़बरदस्ती निकलने के लिए बोल रहा है, और वैसा कुछ नहीं था, यहाँ बाड़मेर में कभी दंगे होने के चांस ही नहीं थे, और बाकायदा वहाँ के लोग एक दूसरे साइड के वहाँ इकट्ठा भी हुए थे, मगर फिर कुछ नहीं थे, नगर पालिका कोई किसी का कब्जा नहीं था, नगर पालिका ने अपना वहाँ अपनी तारबंदी कर रखी थी, मतलब इस तरह का कुछ हुआ नहीं था, लेकिन बात चले। और कोई अफवाह बाड़मेर में जो चली हो कभी आपको याद आता हो?
आपको सर? यहाँ जबरदस्त चली थी, चोटी कटवा, चोटी कटवाई उसको क्या कहते थे यहाँ लोकल? वही कोई न कोई ऐसा भोपा है या कोई ऐसा टूना टोट का वाला, यहाँ जो चलता है लोकली उसी की लैंग्वेज में बोला जा रहा था। इसके बाल ले जाके उसके ऊपर कुछ ऐसा कर देंगे, काला जादू जिसको बोलते हैं, और फिर उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, और उसी अफवाह के चक्कर में वहाँ बेहोश होना, उसके फोटो वायरल हो रहे थे सोशल मीडिया पे। खूब चले। दो उदाहरण थे हमारे पास, एक ये कि यहाँ पे दो समुदाय के बीच में विवाद हुआ, ठीक है, जैसा मुझे सुनने को मिला कल से कि यहाँ पे बाड़मेर में कम्युनल वायलेंस का इतिहास कम है, ऐसा लोगों ने मुझे बताया, ठीक है, कमी है, कम है। तो ये चीज़ हैरान करने वाली जानकारी है। अगर कभी कोई कहे आपसे कि बाड़मेर में भाई विवाद चल रहा है दो समुदाय के बीच में, तो आपको थोड़ा सा हैरान करेगी। कोई अपने घर में है, आराम से सोया हुआ है, उसकी चोटी कट जाए, हैरान करने वाली जानकारी है। जब हम वर्कशॉप शुरू कर रहे थे तब मुकेश जी ने आश्चर्य की बात की थी। ज़्यादातर खबरें जिनको हम फेक न्यूज़ कहते हैं वो इसी तरह की होंगी जो आपको हैरान ज़्यादा करेंगी। कई बार ऐसा नहीं है कि हैरान करने वाली खबरें नहीं होती, लेकिन अगर आपको फेक न्यूज़ के कुछ गुण पकड़ने हैं, कुछ सूत्र एक बनाने हैं कि भाई कैसे हम पहचानें, तो उसकी सबसे पहली क्वालिटी यही है कि वो हैरान करती है। बाड़मेर, मेरे ख्याल यहाँ बारिश भी बहुत कम ही होती है, कभी ऐसा होता है किसी साल की पानी ना गिरे? थोड़ा जस्ट पिछली साल हुआ है, कहीं कहीं हुआ ही नहीं बारिश। अच्छा, बारिश कुछ जगह आई ही नहीं। उस जगह अगर मैं कहूँ, हॉर्न बजा लेने देते हैं उसको पहले, ये सही है। हम लोग अभी जितने टूर पे हैं हमने हर तरह का हॉर्न सुन लिया लगभग, ठीक है, ढिनचिकवा हॉर्न होता है, कुछ गाने होते हैं, और वो गाने की तरह ही बजता है जब तक, मतलब, और ड्राइवर भी मतलब उसको ऐसा लगता है कि यार इतने पैसे लगा के मैंने अगर लगवाया है तो बजाऊं भी तो सही, चाहे इंजॉय करते हैं, चाहे वो बकरी निकल गई हो सड़क से उधर। एनीवेज, चले गए भाई साहब क्या? निकल गई उसकी गाड़ी, आश्चर्य हैरानी। उसको जाने देते हैं, गया। तो बाड़मेर में कभी ये खबर चले कि धनाधन बर्फबारी हो रही है, हैरानी होगी आपको। हो सकता है यहाँ ओला पड़ा हो, कभी ओला पड़ जाता है, कुछ दिन पहले पड़ा, लेकिन बर्फ शायद नहीं पड़ी होगी यहाँ पे कभी, जैसे वो फुर 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 वाली बर्फ होती है, स्नो, ठीक है। पहला गुण यही है कि जानकारी वो ऐसी होगी जो अविश्वसनीय लगेगी, ठीक। जो लोग यहाँ पे ऑनलाइन खबरें पढ़ते हैं उनमें से कितने बार आप लोगों ने URL पे गौर किया है? आपने किया है? आप अपने दोस्तों को बताएंगे कि URL क्या होता है दोस्त? बेसिक जो भी आप URL एक नेम टाइप की एक चीज़ होती है जो मतलब हर वेबसाइट है उसका कुछ ना कुछ होता है। जैसे अमेजन लिखा हो, अमेजन की वेबसाइट खोलेंगे उस पर amazon.com होगा, या फिर फ्लिपकार्ट खोलते हो flipkart.com होगा, और वैसे बहुत सारे ऐसे URL भी आते हैं जिस पर लिखा हुआ होता है wincashprize.com और amazonjackpot.com, इस टाइप के, वो सब फेक होते हैं। नाम बहुत सही, मतलब ये सबसे आसान तरीके से URL ऐसे ही समझाया जा सकता है। URL ना उसका केस अनानास टाइप का है, मैं खाता था मुझे पता नहीं था कि इसी को अनानास कहते हैं, तो URL एक ने बोला, लेकिन आप सब लोगों ने देखा है, बस आप लोग उसको उस नाम से नहीं जानते हैं। URL जो ऊपर एक किसी भी वेब पेज पे आप अगर फ़ोन चला रहे हैं तो फ़ोन चला रहे हैं, और अगर आप डेस्कटॉप पे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, तो जो सबसे ऊपर स्ट्रिप होती है ब्राउज़र पे, वो URL है, और जैसे उन्होंने बताया वो नाम है, ठीक है। अब दोस्त, आपका नाम मैं मिस कर गया, योगेश, और आपकी एज पूछ सकता हूँ मैं? 24, 24 साल इनकी एज। क्या ऐसा होगा कि योगेश जी कभी अपना नाम गलत लिखेंगे? बहुत मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल है, कभी हाथ ही गलत चल जाए तो की बात दूसरी है। जब योगेश अपना नाम गलत नहीं लिखेंगे तो क्या ऐसा होगा कि कोई समाचार माध्यम अपना नाम गलत लिखेगा? नहीं होगा, क्योंकि योगेश जी नाम लिखेंगे उनके नंबर कटेंगे, वहां नौकरी चली जाएगी दोस्त, पॉसिबल ही नहीं है। ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं, URL हमेशा फिक्स्ड होता है। अगर आपके पास कोई ऐसी हैरान करने वाली खबर आती है और आप किसी न्यूज़ मीडियम पर पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिलालन टॉप पे ही पढ़ रहे हैं जिसके लिए हम काम करते हैं, आप एक बार URL पे ध्यान देके देखिए कि उसमें नाम सही लिखा है नहीं लिखा,
अगर दिल एलन टॉप है तो उसमें कभी तीन एल नहीं होंगे, चार टी नहीं होंगे लगातार, डॉट कॉम कॉम नहीं होगा। तो एक बार उस ट्रिप पे नज़र डाल के देखिए, ललन पॉट हो सकता है, ठीक है, तो वो भी आप सही माध्यम पे तो नहीं पहुँचे। और अखबार राजस्थान में काम करते हैं, अगर उनका नाम भी गलत लिखा मिल रहा है यूआरएल में, तो आपके दिमाग में एक बल्ब वहाँ जल जाना चाहिए कि शायद मैं एक ऑथेंटिक न्यूज़ वेबसाइट पर नहीं हूँ, जो जानकारी मुझे इस पेज से मिल रही है वो गलत हो सकती है। एक तरीका यूआरएल का है, सोर्स। मान के चलो कभी बाड़मेर में बर्फ पड़ जाए तो क्या ऐसा होगा सिर्फ दिल एलन टॉप को पता चलेगा? सबको पता चले, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है यहाँ का, और मेरे ख्याल कितने हज़ार गांव होंगे कम से कम ये ज़िले से जुड़े हुए, कि ज़्यादा ही होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इतने सारे लोगों से जुड़ी खबर किसी एक व्यक्ति को पता नहीं चलेगी, किसी एक अखबार को पता नहीं चलेगी, मल्टीपल सोर्सेस पे वो उसी वर्जन से छपेगी। कितने अखबार आते हैं दोस्त यहाँ पे बाड़मेर में? लगभग 10 अखबार आते हैं। 10 दो तीन के नाम? दैनिक भास्कर है, राजस्थान पत्रिका है, नवभारत टाइम्स है, जित ये सारे अखबार उस चीज़ को छापेंगे, उसी तरह से छापेंगे जिस तरह से पहली बार जिसको जानकारी मिली। अगर आपके पास में कोई ऐसी जानकारी आती है जो बहुत हैरान करती है, उसको आप मल्टीपल सोर्सेस पे चेक कीजिए, एक से ज़्यादा जगह यदि वो उसी तरह से लिखी खबर आपको मिलती है तब आप उस पर यकीन कीजिए, वरना आपके दिमाग में एक शक रहना चाहिए। अब ये दो तीन चीज़ें तो हमने कर ली, URL देख लिया, मल्टीपल सोर्सेज देख लिए, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आपके पास, जैसे आप वो विवाद वाली बात कह रहे थे या चोटी कटने वाली बात कह रहे थे, कई बार उसकी तस्वीर होगी साथ में और दिख भी रहा है कि यार वो बाड़मेर की है, वो स्पेसिफिक वो एरिया दिख रहा है या बाड़मेर की कोई ढाणी दिख रही है, लोग भी दिख रहे हैं पहनावे से कि वो यहीं के हैं, थार के ही हैं, तब क्या करेंगे? वो दिख तो रहा है रियल, वो बिल्कुल यहीं का है, बाड़मेर का ही है, तब कैसे पता करेंगे सही है या नहीं है? उधर आया लगभग 26 मेरी एज है और मेरे फ्रेंड सर्कल में हिंदू मुस्लिम सब है, वहाँ बाड़मेर ज़्यादा बड़ा नहीं है और सब आजकल तो कॉन्टेक्ट में, ऐसी कोई न्यूज़ होगी तो बकायदा पर्सनल कॉन्टैक्ट करके चेक कर सकते हैं। ये एक तरीका है, लेकिन कई बार ये तरीका काम आएगा नहीं, जैसे जो बाड़मेर का नहीं है वो पता नहीं कर पाएगा ऐसे, क्योंकि उसके पास बाड़मेर वालों का कॉन्टैक्ट नहीं होगा। हो सकता है वो फोटोशॉप से एडिट किया हुआ हो तो, हाँ ये एक पॉसिबिलिटी है, उसकी डिटेल्स में जाके चेक कर सकते हैं कि उस फोटो को लास्ट टाइम उसको कब कैप्चर किया गया है, उसकी डिटेल्स क्या है, उसको एडिट कहाँ किया है, कौन सा फोटोशॉप यूज किया है। बहुत टेक्निकल हो गया, लेकिन मोर और लेस मैं यही बताने वाला था, लेकिन मेरा तरीका दूसरा होने वाला था। रिवर्स सर्च जानते हैं आप लोग? आप जानते हैं, ठीक है, ये भी अनानास ही है, सब ने किया है, आप लोग शायद उस नाम से नहीं जानते हैं। किसी भी फोटो को या वीडियो के स्नैपशॉट को आप ब्राउज़र पे खोलिए, राइट क्लिक कीजिए, फ़ोन पे कर रहे हैं तो उसे थोड़ी देर दबा के रखिए, एक ड्रॉप डाउन खुलेगा, 5-7 ऑप्शन खुलेंगे, उसमें एक होगा अगर आप क्रोम पे हैं तो सर्च गूगल फॉर इमेज, और तब आप जब उसको हिट करेंगे तब उसके बाद आपको जितने बार वो तस्वीर गूगल के सर्वर्स पे आई होगी किसी न किसी वजह से वो जी। आज से 3-4 दिन पहले एक फेसबुक पे न्यूज़ चली थी कि अभी जालौर में एक कांग्रेस की रैली हुई थी, उसमें 6 लाख या 6.5 लाख की भीड़ इकट्ठा हुई, तो उसको मैंने गूगल सर्च से सर्च किया तब मुझे पता चला कि ये फ़ोटो 2013 की है और हरियाणा की है, भूपिंदर सिंह हुड्डा की जो रैली है उसकी है और 2013 की है। अब ये फेक न्यूज़ मान लो 2019 में चल रही है कि ये आपकी है, तो मैंने चेक करके पता लगा लिया। ये एक तरीका है, अगर वो फ़ोटो आपको बताई जा रही है कि इस हफ्ते की है या इस महीने की और वो 3 साल पहले भी गूगल पे आपको मिल रही है, सर्वर पे मिल रही है, इसका मतलब है कि वो तस्वीर पुरानी है, सच्ची है, बाड़मेर की है, लेकिन अभी की नहीं है, गलत कॉन्टेक्स्ट में शेयर हो रही है। इसके अलावा एक और चीज़ है, कितने लोग यहाँ पे स्पूफ देखते हैं? आप देखते हैं और कौन देखता है? देखे सब नहीं है, मजाक या वीडियोस, जैसे फिल्म्स की पैरडी होती है वैसे न्यूज़ पैरडी भी मिल जाएगी आपको, ठीक।
ठीक है, यूट्यूब पे जाएंगे देखेंगे, वीडियोस बहुत सारे हैं उस पर न्यूज़ मजाकिया लहजे में कही जाती है, कई बार वो खबर होती भी नहीं है, पूरी तरह से काल्पनिक होती है, या कई बार वो एक असल घटना पे व्यंग्य होता है, सटायर होता है। तब अब जैसे ये होता है कि आम हम लोग मजाक करते हैं, कभी स्लिप हो जाता है ना मजाक, ह्यूमर कन्वे नहीं होता है, दिल लगे दिल की लगी वाला मामला है कि यार, और फिर आप समझाते समझाते थको कि यार मैंने तो ऐसे नहीं कहा था, ये ऐसे कहा था लेकिन उसका मतलब ये नहीं था, लेकिन सामने वाले को बुरा तो लग चुका होता है उसका। ये कई बार न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स के साथ भी होगा और होता रहता है, कई बार उनका ह्यूमर किसी न किसी वजह से कन्वे नहीं होता, तब ये थोड़ी जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम ये दिमाग चलाएं कि जो जानकारी हम तक पहुंच रही है वो बहुत आश्चर्यजनक है, कहीं ये मजाक तो नहीं है। ऐसा भी होता है और फिर कुछ कहानियां जानबूझ के बनाई जाती हैं झूठी, उनका इलाज कैसे करना है वो आगे है। व्हाट्सएप, व्हाट्सएप की सर्वोत्तम प्रथाएं बहुत बेसिक हैं, ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप चलाते हैं और मैं मान के चल रहा हूँ ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप चलाने में बड़े प्रो होंगे। यहाँ पे जो लोग अफवाहबाजी करते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती नहीं होते हैं, ठीक है, उनका भाषा ज्ञान भी बहुत अच्छा नहीं होता है। जैसे कितने लोग यहाँ पे ऐसे एग्ज़ाम दे रहे हैं जो ऐसे टाइप जिनमें लिखना पड़ेगा आंसर, आप दे रहे हैं और बाकी सब ऐसे ऐसे 3-4, तो आप लोगों की खूब प्रैक्टिस होती होगी कि जो ऐसे आप लोग लिखें उसके अंदर कम से कम गलतियां जाए, है ना। वैसे ऐसे ये लोग क्या ग्रामर के लिए मार्क्स काटते हैं, काटते हैं, तब तो आप लोगों की कोशिश रहती होगी लगभग फ्लॉलेस चला जाए वो। यही कोशिश जो लोग न्यूज़ लिखते हैं उनकी भी होती है, लेकिन जब फेक न्यूज़ चलाने वाले जो लोग होते हैं, जो लोग प्रोफेशनली अफवाहबाजी करते हैं, वो इतने टैलेंटेड हर बार नहीं होते हैं। खबरें बहुत टूटी फूटी भाषा में आपको नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स उसमें, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर में दिक्कत है, तभी भी आपके दिमाग में शक पैदा होना चाहिए कि हो सकता है ये खबर हो ही ना, क्योंकि जितने भी न्यूज़ मीडियम्स हैं, जितने भी समाचार माध्यम हैं, वहाँ भी काम करने की एक शर्त होती है कि आपका भाषा पे अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनसे गलतियाँ नहीं होती हैं, लेकिन वो होगा एक पीस में, एकाध कहीं जगह टाइपो होगा, उसके लिए भी संज्ञान लिया जाता है, पनिशमेंट होती है, वो लगभग फ्लॉलेस होना चाहिए वो पीस। अगर गलतियां हैं हो सकता है कि वो फेक हो। अगर एक ही तरह का मैसेज आपको 3-4 सोर्सेस से आ गया लगातार आए जा रहा है, ऐसा कोई मैसेज चला है जोधपुर, क्या नाम बाड़मेर में, सॉरी जिसमें वो एक ही एक मैसेज घूमे जा रहा है। सर अपना नाम क्या है? सर सर आई कांट। हाँ जी, अच्छा आप, अच्छा सर अपना नाम क्या है? लक्ष्य। अच्छा लक्ष्य जी, आप कभी ऐसा कोई मैसेज यहाँ चला खूब कि जो एक ही एक मैसेज चला जा रहा है? इतना ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं, लेकिन ऐसा हो हाँ कब की बात है? सर व्हाट्सएप में कई बार ऐसे मैसेज आते हैं कि 11 लोगों को फॉरवर्ड करो, 21 लोगों को फॉरवर्ड करो, ये मिलेगा वो मिलेगा, वो बार बार आता रहता है। मतलब लोगों को ध्यान होता है तो भी वो जानबूझ के भेजते हैं, या तो किन्हीं को ध्यान कम होता है जो ओनली व्हाट्सएप चलाते हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं होता है, वो फॉरवर्ड करने में लगे रहते हैं, वो बार बार आते रहते हैं। और हर बार वो इतनी मेहनत नहीं करेंगे कि वो हर बार आपके लिए मैसेज टाइप करें, वो आपको फॉरवर्ड करेंगे। कोई भी ऐसा है जो व्हाट्सएप पे नहीं पकड़ पाता कि फॉरवर्डेड मैसेज क्या होता है? हाँ जी, एक सिंबल आता है फॉरवर्ड का मैसेज के ऊपर आने लगा, हो गए 6-8 महीने हो गए उस चीज़ को, वो ऐसा वो फॉरवर्डेड दिखाता है ऊपर। कितने लोग बड़े बड़े ग्रुप्स में यहाँ पे जुड़े हुए हैं? एक लाइब्रेरी का भी है मेरे ख्याल ग्रुप होगा सर, जिसमें आप लोग शायद टाइमिंग और लाइब्रेरी संबंधी कोई भी न्यूज होती है फॉरवर्ड करनी होती है स्टूडेंट को, तो क्या अच्छा वो ग्रुप किस तरह का है? मतलब उसमें हर कोई मैसेज डाल सकता है कि आप ही डाल सकते? हर कोई मैसेज, स्टूडेंट सभी डाल सकते, एक ओपन ग्रुप है। हाँ ओपन ग्रुप है, ठीक है। जब इतने बड़े और कितने लोग होंगे उसमें? 145 के करीब। 145 के करीब, जब इतना बड़ा कोई ग्रुप होता है, 145 एक बड़ा नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप के हिसाब से, इससे भी बड़े होते हैं लेकिन ये एक बड़ा नंबर है। अगर हर कोई लगातार इस पर बात करने लगे तो बहुत जायज़ है कि आदमी रिटेट हो। इस रिटेशन से बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? उसमें सिर्फ एडमिन मैसेज करे, ऐसा एक ऑप्शन है उसमें, वो जो ग्रुप बना के बैठा है जो ग्रुप का एडमिन है वही मैसेज करे,
एक तरीका ये है कि अगर एक बहुत स्पेसिफिक पर्पस है कि जिसमें एक व्यक्ति सिर्फ ये बताए कि लाइब्रेरी कब खुलेगी कब बंद होगी, उसमें आप लोग रिएक्ट करके क्या करेंगे कि मैं आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ या किसके साथ आ रहा हूँ? उससे बेहतर जो एडमिन्स हैं जो जिन पे लाइब्रेरी के दायित्व हैं वो लोग उस ग्रुप के एडमिन बने और सिर्फ वही लोग उसमें कॉन्टेंट पोस्ट करें, बाकी लोग आप लोग पढ़ सकें उसे। ये सेटिंग्स व्हाट्सएप आपको अलाउ करता है। व्हाट्सएप आपको ग्रुप डिस्क्रिप्शन डालने की भी सुविधा देता है। अब आप उस डिस्क्रिप्शन पर लिख सकते हैं कि ये सो एंड सो ग्रुप, ये लाइब्रेरी के काम के लिए बना हुआ है, इस पर प्लीज़ जोक्स पोस्ट ना करें। म्यूट वाला ऑप्शन तो आपके पास है ही, ब्लॉक वाला ऑप्शन है ही, एग्जिट ग्रुप भी आपके पास है ही। कितने लोग स्पैम जानते हैं व्हाट्सएप पे? क्या कभी किसी ने व्हाट्सएप पे स्पैम रिपोर्ट किया है? मैं दिखाता हूँ स्पैम। अच्छा, अदरवाइज आपको स्पैम, आप लोग क्या ये जानते हैं कि स्पैम होता क्या है? मेल आते हैं स्पैम का बेसिक, स्पैम का मतलब ये होता है कि कोई भी अनडिजायरेबल मैसेज, ठीक है, हो सकता है कभी हानिकारक हो, लेकिन उसका मेन, उसकी उसका गुण ये है कि वो अनडिजायरेबल है, मुझे चाहिए नहीं था आपने मुझे भेज दिया तो मेरे लिए वो स्पैम है। कई बार वो हानिकारक होता है, कई बार उसमें वायरस होता है, लेकिन स्पैम का बेसिक मतलब यही कि मैं नहीं चाहता था लेकिन आपने मुझे भेजा। और अब आप जैसे मेल पर रिप्लाई कर सकते थे स्पैम रिपोर्ट कर सकते थे, जैसे आप फेसबुक पे कर सकते थे, आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। और ये आपके कब काम आएगा मैं बताता हूँ। आप ग्रुप खोलिए, सबसे नीचे आपको एग्जिट ग्रुप मिलता है, एग्जिट ग्रुप के नीचे रिपोर्ट स्पैम आने लगा है। स्पैम रिपोर्ट करने से क्या होता है, जब आप किसी ऐसे ग्रुप में हो जहाँ पे आदतन फेक न्यूज़ शेयर की जाती है, आप उस ग्रुप को रिपोर्ट कर सकते हैं। होगा क्या, ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रुप तुरंत बंद हो, ज़रूरी नहीं है कि उस ग्रुप के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो, लेकिन व्हाट्सएप को ये बात पता चल जाती है कि आपको कोई परेशान कर रहा है, वो उस चीज़ का संज्ञान लेके रखते हैं और जब उनके पास वजह होती है तब वो उस ग्रुप को ब्लॉक करते हैं या बंद करते हैं या दूसरी कोई कार्रवाई करने के बारे में डिसीजन लेते हैं जो उनकी पॉलिसी है। इसलिए क्योंकि होता क्या है, एग्जिट करोगे ब्लॉक मारोगे उससे ये होगा कि आप बच गए, लेकिन वो ट्रेंड नहीं रुकने वाला है। जो भी व्यक्ति वो काम कर रहा है, अफवाहबाजी कर रहा है बाड़मेर में, जैसे कम्युनल टेंशन की खबरें फैला रहा है, उसका काम किसी और ग्रुप में चलता रहेगा या वो ग्रुप चलता रहेगा आपके बिना। 120 की जगह 119 लोगों तक अफवाह जाएगी। इसलिए जब आप ऐसी चीज़ें पकड़ें तब आप ज़रूर से उसे रिपोर्ट करें कि ये एक स्पैम भेजने वाला ग्रुप है या व्यक्ति है। इसके अलावा अब आप, अच्छा, आप लोगों ने कभी फेसबुक पे फीडबैक दिया है क्या? फेसबुक पे फीडबैक दिया है किसी ने? यूट्यूब पे फीडबैक दिया है। फेसबुक वाले फीडबैक की पहले बात करते हैं, किस तरह यूट्यूब पे कैसा फीडबैक दिया है आपने? अश्लील कमेंट आ रहे हैं उसमें, जो ऐड आता है ना उसमें एकदम अश्लील बातें की जा रही है, उसको लिए मैंने रिपोर्ट किया यूट्यूब को, लेकिन मेरे को अभी तक जवाब नहीं मिला है। ऐड चलती है अपने यूट्यूब चलाते हैं, बीच में आ जाती है, एकदम गंदी से गंदी गालियाँ आती है उसमें। अच्छा, तो आपने इस का नाम भी लाइक ऐप है, उस पर आती है गंदी गालियाँ। ठीक, तो आपने आपने ये चीज़ रिपोर्ट की है, ठीक है, यूट्यूब अब देखेगा जो उसको करना होगा। फेसबुक पे फीडबैक, फेसबुक पे अफवाहबाजी इसलिए ज़्यादा चलती है क्योंकि फेसबुक ज़्यादा विजुअल है और फेसबुक ज़्यादा, उसकी रीच बहुत ज़्यादा होती है। व्हाट्सएप में आप पर्सनल किसी को भेज रहे पता नहीं चल रहा है, निखिल को बता दिया, फेसबुक पे बताएंगे तो 25 और लोग देखेंगे, अगर आप मुझे या किसी और को या अपने किसी दोस्त को टैग करते हैं। एक तरीका हुआ आप अपनी वॉल से हाइड कीजिए उस मैसेज को, लेकिन वो फिर वही चीज़ है, वो आप बचोगे लेकिन दूसरा नहीं बचेगा उससे, वो चलता रहेगा, वो ट्रेंड कंटिन्यू होगा। आप अब फीडबैक दे सकते हैं फेसबुक पे, कैसे देते हैं, आप किसी पोस्ट के ऊपर जाइए, आपको राइट साइड में तीन बिंदियाँ दिखेंगी और जब आप वो तीन बिंदियों में उन पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा इस तरह से, इसमें दूसरे नंबर का ऑप्शन होता है गिव फीडबैक ऑन दिस पोस्ट, हिंदी में सेटिंग्स होगी तो हिंदी में लिख के आएगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे कि आप किस बात को लेकर फीडबैक देना चाह रहे हैं। न्यूडिटी है, नग्नता है उसमें, वायलेंस है, हिंसा है उसमें, या हैरेसमेंट की बात है, किसी को तंग किया जा रहा है। और अच्छा, एक और चीज़, हैरेसमेंट का कई बार मतलब ये निकाल लिया जाता है, मैं अब तक मेरे दिमाग में आया नहीं था, तो मैं आइंदा मैं कोशिश रहूँगा कि मैं आइंदा वर्कशॉप्स में डिस्कस। हैरेसमेंट का एक मतलब
छोटे शहरों में या आम, जैसे मैं भी एकदम डिस्ट्रिक्ट लेवल की जगह से आता हूँ, हैरेसमेंट का वहाँ मतलब यही होता है कि एक लड़के ने एक लड़की को छेड़ा तो हैरेसमेंट। आपने भी इसी तरह से सुना होगा कि हैरेस तो लड़कियाँ होती हैं, और बात सही है, कई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे लड़कियाँ परेशान की जाती हैं, ठीक है। हमारे सोसाइटी थोड़ा कम पचा पाती है जब कोई लड़की निकलती है नज़र के सामने से, तो हम अपने आपको कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं इस तरह ये, और इसको ऐसे डिनाई करके भी कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये होता है। लड़के भी हैरेस होते हैं, और आपको यकीन नहीं होगा, हैरेसमेंट के केसेस, अनरिपोर्टेड जो हैरेसमेंट होता है वो ज़्यादा लड़कों के केसेस में ही होता है, क्योंकि हम क्योंकि एक जो ग्रंथि है हमारे दिमाग में वो ये है कि लड़कियां छेड़ी जाती हैं, तो उसकी शिकायत उनके लिए करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कभी कभी सामने आती है। एक लड़का शिकायत करे हैरेस होने की, ये हमारी सोच से बाहर की चीज़ है कि ये छेड़ा होगा, छेड़ा गया होगा, या परेशान होगा, या ये तंग किया गया होगा। बहुत केसेस होते हैं, अगर वैसा कोई चीज़ है तो आप हैरेसमेंट वाली चीज़ क्लिक कर सकते हैं। सुसाइडल कॉन्टेंट है, यदि ये कोई ऐसी चीज़ है जिससे कोई आत्महत्या करने के लिए बाध्य महसूस कर सकता है, आप इसको क्लिक कर सकते हैं। और फॉल्स न्यूज़, अगर आप झूठी खबरों से संबंधित फीडबैक देना चाह रहे हैं, आप फॉल्स न्यूज़ क्लिक कर सकते हैं। और सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन ये उतने थे जितने इस उसमें। आप सेंड दबाएंगे, उसके बाद फीडबैक फेसबुक को मिल जाता है, और उसके बाद वो आपको और कुछ ऑप्शन देता है, ब्लॉक करना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन ये फीडबैक देने से सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि फेसबुक को ये मालूम चल जाता है कि अमुक पोस्ट या व्यक्ति या समूह या ग्रुप या पेज आदतन ऐसी चीज़ें कर रहा है। अगर अच्छा, हम मेरे ख्याल 40 मिनट से लगे हुए हैं, अगर अच्छा, और आपको बताया भी 30 मिनट गया होगा। अब ये हमारा तरीका है, सब बहेलिया तो अच्छा अच्छा ही बताता है, तब चिड़िया आती है, ठीक है, वो नहीं बताता कि आप बोर होंगे। अच्छा, कितने लोग बोर हुए? एनीवेज कुछ कोई, अरे यार गांधी जी से कितना दूर है, कोई तो हुआ ही होगा। अनरिलेटेड, मुझे नहीं पता यहाँ पे होता है कि नहीं। मेरा एक दोस्त है, उन्होंने इसकी तैयारी की है पढ़ाई के लिए, टीचर बनने के लिए क्या करना होता है, बीएड वगैरह, ठीक है। और पानी है किसी पे? तो वहाँ जो वो एग्ज़ाम्स होते हैं कि जिसमें आपको टीचर बनना होता है, ठीक है, अब टीचर बनने के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें एक शायद कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एथिक्स और मोरालिटी से डील करते हैं, ठीक है। किसी ने दिया है वैसा पेपर यहाँ पे? आपने दिया है? उसमें इस तरह के सवाल बहुत होते हैं। हाँ, मेंटल एबिलिटी नहीं, एथिक्स और मोरालिटी। जैसे मैंने पूछा कि कितने लोग बोर हुए, तो क्या इस बात का जवाब हाँ में दिया जाना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, शिक्षण अभिसमता के क्वेश्चन होते हैं, उसी में ये है, क्योंकि आप लोग टीचर हो तो आप लोग बच्चों से डील कर रहे हो, और कई बार बच्चे ऐसी चीज़ें करेंगे जो आपको बहुत पसंद नहीं आएंगी, तो आप क्या करेंगे? खैर कोई बात नहीं, अनरिलेटेड चीज़ से रिलेटेड चीज़ पर लौटते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये 40 मिनट आपके किसी काम न आए, इस वर्कशॉप के बाद भी आप फेक न्यूज़ देख के नहीं पकड़ पा रहे हैं, या आप उसका प्रसार रोक नहीं पा रहे हैं, तो वैसे केस में क्या कर सकते हैं? वीडियो, उस क्वेश्चन पे मैं आऊँगा दोस्त। अगर ये वर्कशॉप काम ना आए तो क्या करें? सकते हैं जी? जो आपने इतना बताया उसके बारे में एक बार उसके अंदर ऑप्शन में जाके उसके बारे में थोड़ा बहुत देखने की कोशिश कर सकते हैं, एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि जिस तरह से प्रोफेशनली अफवाहबाजी होती है, आप इतने तो कोई भोला नहीं होगा यहाँ पे कि अफवाह फैलते फैलते नहीं फैलती, प्रोफेशनली अफवाह फैलाने का बिजनेस है हमारे देश में। जैसे मुझे एक संस्थान वेतन देता है कि जाओ ये वर्कशॉप करो, जाओ कवर करो, बाड़मेर में जाके देखो सनी देओल की रैली में क्या हुआ, हाँ ढांडी में जाके देखो पानी आता है कि नहीं, वैसे ही लोगों को फेक न्यूज़ लिखने के और फैलाने के भी पैसे मिलते हैं। और कई बार वो लोग अपना काम इतना अच्छे से करेंगे कि आप लोग जितनी ट्रिक्स हमने यहाँ डिस्कस किए उससे पकड़ना आपके लिए हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो। इसलिए मैंने हर जगह कहा ना, आप संशय 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 100% पकड़ना, क्योंकि वहाँ भी एक्सपर्ट्स ही बैठे हैं। तो क्या करें? आप फैक्ट चेकर्स का सहारा ले सकते हैं। जिस तरह से
फेक न्यूज़ फैलाने वाले काम करते हैं, जिस तरह से मेन स्ट्रीम न्यूज़ डिलीवरी का लोग काम करते हैं, उसी तरह से फैक्ट चेकिंग भी आज एक पत्रकारिता का स्ट्रीम हो गई है। लोग प्रोफेशनली फैक्ट चेक करते हैं, जब कोई अफवाह आती है तो उसे उसका सच पता करते हैं और उस पर स्टोरीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल LalanTop.com में एक सेक्शन है पड़ताल, जहाँ हम ये काम करते हैं उस पर स्टोरीज भी करते हैं, उस पर वीडियो भी करते हैं, और हम लोग ये हमारा तरीका है अफवाहों से लड़ने का। हम अकेले नहीं हैं, और भी संस्थान हैं, हम लोग हिंदी में काम करते हैं, ऐसे संस्थान भी हैं जो अंग्रेज़ी में काम करते हैं। मुझे नहीं पता कि मारवाड़ी में करने वाला कोई है या नहीं, या यहाँ और जो क्षेत्रीय भाषा होंगी, लेकिन जिसका भी भाषा, जिसका भी आपको ट्रीटमेंट सूट करता है, जिसकी भी बात आपको ऐसा लगता है, जिस पर एतबार होता है, उन फैक्ट चेकर्स का आप सहारा लीजिए। जब इस तरह की खबरें हैं बाड़मेर में चीता घुसा टाइप की, तब आप उन फैक्ट चेकर्स पर जाके एक बार वो मैसेज सर्च कीजिए कि क्या उन लोगों ने इसे डील किया है। नॉर्मली यही होता है जब कोई अफवाह चलती है, पहले हफ्ते में इन जनरल, गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ, इन जनरल वो पहले हफ्ते में नेशनल लेवल के न्यूज़ मीडियम पिक कर लेते हैं। अगर वो नेशनल लेवल की अफवाह है तो वो उठा लेंगे और उस पर उसका जो भी इलाज ज़रूरी है वो कर लेते हैं। आप फैक्ट चेकर्स का सहारा ले सकते हैं। और अब वो वीडियो वाला एक क्वेश्चन रह गया था, और कोई सवाल आप लोगों के बचे हैं क्या? किसी को कोई चीज़ जो मेरी बताई समझ में नहीं आई हो, या ऐसा लगता हो कि उसमें गुंजाइश रह गई है? वीडियोस के बारे में आपने पूछा था, दोस्त आपका नाम क्या है? धीरावर सिंह। ठीक, यहाँ बड़े ऐसे ज़बरदस्त नाम होते हैं, मैंने ये कल से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ बड़े हैवी नाम रखने का चलन है। बाड़ जोधपुर में भी मैंने देखा था, क्या पता पूरे मारवाड़ में ही रखे जाते हो। हाँ जी, रोबिले नाम होते हैं ये, इसका कोई ऐसा खास कारण है क्या? ऐसे नाम यूँ रखे जाते हैं आप? ये राजा महाराजों के ज़माने से चले आ रहे हैं। दूसरा, यहाँ ये राजस्थान की धरती है, ये सूरवीरों की धरती मानी जाती है, और यहाँ हुए भी ऐसे इतने सारे सूरवीर है, उनके नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उस हिसाब से ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह के नाम होते हैं, निखिल, तरुण, मतलब पता ही नहीं चलता कि इनमें, इन नामों का अपना वजन नहीं है, कम से कम सुनने में चाहे अच्छा लगे ना लगे। वीडियो में दोस्त, एक जो सबसे आसान तरीका वीडियो का, आप स्नैपशॉट लेके रिवर्स सर्च करो, ठीक है, जो मैं भी करता ही करता हूँ। कई बार आपको वीडियो के मार्कर्स काम में आएंगे। उदाहरण के लिए आपको कोई वीडियो दिया गया और उसके साथ में ये मैसेज चला गया, जैसे जोधपुर का है, ठीक है, जोधपुर में इस कोई भी वहाँ चेतक सर्कल हो या कुछ हो, चेतक सर्कल वैसे उदयपुर में है, हाँ, जालोरी गेट जोधपुर हो गया, ठीक है। अब वहाँ पे कुछ हुआ, ठीक है, तो आप उस वीडियो में देखने की कोशिश कीजिए कि जो दिख रहा है वो जालोरी गेट जैसा है कि नहीं। जोधपुर का वीडियो बताया जा रहा है तो ज़्यादातर गाड़ियाँ जो उस वीडियो में दिख रही हैं वो जोधपुर पासिंग है कि नहीं। टाइम बताया है अप्रैल, आज तारीख क्या है, 28 अप्रैल को जोधपुर में हो नहीं सकता कि बारिश हो रही हो, बहुत मुश्किल है, हो सकता है, ठंड तो बिल्कुल नहीं होगी, तो वहाँ हैवी जैकेट्स तो किसी ने नहीं पहने हैं। जो बोली भाषा है वो लग रही है कि नहीं लग रही, क्योंकि मारवाड़ी के भी, जैसे यहाँ जो मारवाड़ी बोली जाती है, जोधपुर जो मारवाड़ी बोली जाती है, उसमें फ़र्क होगा। मैं और बॉर्डर साइड जाऊँगा वहाँ पर और फ़र्क मिलेगा, अभी जैसलमेर जाऊँगा उसमें और फ़र्क मिलेगा। इस तरह के आप छोटे छोटे मार्कर्स पर ध्यान देके देख सकते हैं, आपको एक आइडिया, वेग आइडिया वहाँ से मिल जाएगा कि ये वीडियो सत्य हो सकता है नहीं होगा। कई बार जब उससे भी नहीं होगा तो फिर उसके लिए और एडवांस तरीके हैं, आप जो प्रोफेशनल फैक्ट चेकर्स हैं उनके रिपोर्ट्स पे ध्यान दे सकते हैं, हो सकता है आपको आपका जवाब वहाँ से मिले। फैक्ट चेकिंग एक फुल प्रूफ, इसका कोई थंब रूल है नहीं दोस्त। दुनिया के सबसे बढ़िया फैक्ट चेकर्स भी कई बार अफवाहों का पता पूरी तरह से नहीं लगा पाते हैं। उनको कई बार पता होता है कि ये नहीं है, ये सच तो नहीं है, लेकिन फिर अब जो सच नहीं है वो, लेकिन वो एक लड़ाई है, मतलब वो अपनी तरफ से एक साइड कोशिश कर रहा है, अपनी तरफ से एक साइड कोशिश कर रही है। उसके पीछे एक वजह ये है कि इंसान का दिमाग भी, और स्पेशली जो हिंदुस्तान में जिस तरह से पेरेंटिंग होती है, हिंदुस्तान में जिस तरह से टीचिंग होती है, उसमें भी यकीन करना ज्यादा सिखाया जाता है। हमारे पेरेंट्स ने जो हमसे कहा, हम उसे डाउट करने से ज़्यादा हम उसे यकीन करना सीखते हैं। टीचर्स जो हमें बताते हैं उस चीज़ पर हम डाउट करने से ज़्यादा, और बात सही भी है, ये तरीका अपने आप में गलत नहीं, लेकिन इसका एक अनचाहा नतीजा ये भी होता है कि हम लोग जिन चीज़ों पे शक करना चाहिए टेक्निकली, हम उन पर भी शक नहीं कर पाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि यार ये पेपर का कटआउट है, ये व्हाट्सएप पे हमारे सामने आया हुआ है तो सही होगा।
इन सारी चीज़ों से मिलकर अफवाहें पैदा होती हैं, आगे बढ़ती हैं, इन्हें काउंटर करने में हम एक स्टेप आगे जा सकते हैं। हो सकता है तुरंत ना हो, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जहाँ जहाँ हम ये वर्कशॉप करें वहाँ लोग कम से कम कुछ एक लेसन आप लोग लें और बहुत सारे लेसन हम लोग सीखें। आप लोग सबके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खास शुक्रिया हम अदा करते हैं मुकेश जी का, जिन्होंने ये कैंपस हमें उपलब्ध कराया। बहुत शॉर्ट नोटिस पर हमारी मुलाकात कल रात को ही हुई है और उन्होंने आप सबको यहाँ पे हमारे लिए टाइम देने के लिए, थैंक यू। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर। दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।